हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कीर्ति गोयल की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बची हुई सब्जी से एक नई रेसिपी बनाना। मैंने इस बची हुई सब्जी से एक नई रेसिपी बनाई है जिसका नाम है बिरयानी। तो हमने इसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, आइए हम आपको बताते हैं। 2 छोटे प्याज बारीक कटे हुए, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 10 से 12 लगभग इसमें है काली मिर्च, 1 पिंच हींग, 4 से 5 चम्मच देसी घी, 3 से 4 कड़ी पत्ते, 1 बाउल हमारे पास जो बची हुई सब्जी थी हम उसका इस्तेमाल करेंगे, 1 गिलास भीगे हुए चावल। तो फ्रेंड्स, बताती हूँ मैं आपको इसका हम कैसे एक नए तरीके से यूज करके एक अच्छी सी बिरयानी बना सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस प्याज को अच्छे से भूनकर गोल्ड एकदम होने तक इसको भून लेंगे। पहले हम गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन करने के बाद हम इसमें पहले डालते हैं जो हमने घी का इस्तेमाल करना है। घी को लेते हैं हम इसमें, ये अभी थोड़ा सा जम गया है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले लेंगे। आजकल मौसम थोड़ा सा बदल गया है ना, तो घी भी थोड़ा थोड़ा देर में जम जाता है। घी गर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं कि गर्म होना घी स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं अनियन जो हमने बारीक काट कर रखा हुआ था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। इसको गोल्डन होने तक हमको इसको अच्छे से चलाना है, चलाते इसलिए रहेंगे कहीं जल ना जाए। इसको अच्छे से गोल्डन होने तक हमको चलाना है। अभी ये गोल्डन नहीं हुआ है, इसको हम गोल्डन होने तक चला रहे हैं जिससे कि ये नीचे लगे ना। और वैसे तो हम इसको नॉन स्टिक कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे नॉन स्टिक कुकर वगैरह इतना खास कुछ पसंद नहीं है। मेरा हाथ ज़्यादातर सिल्वर के ही बर्तन पर सेट बैठ जाता है, सिल्वर का कुकर होता है तो अच्छे से मैं बना लेती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन स्टिक का भी आप इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नॉन स्टिक के बर्तन कम से कम इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। हम देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक अच्छा भुनना स्टार्ट हो रहा है अभी। देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अच्छे से थोड़ा हो गया है। ये देखिए आप, इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो अनियन हमने करा है ये देखिए आप, हो गया है ना अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, कुकर में घी तो है थोड़ा सा, बट घी मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। अब हम इसमें ये जो हमने खड़े मसाले लिए हैं ये डालते हैं। हम इन खड़े मसालों को अच्छे से क्या करते हैं, चला लेते हैं। इसको जलाना नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल वैसे भी नहीं रखना, हल्का सा रोस्ट हो जाना चाहिए। कड़ी पत्ता भी हम इस पे डाल देते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ये देखिए हो गया है। और ज़्यादा हमें नहीं करना है वरना जल जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसमें सब्जी मिक्स कर देते हैं। ये जो सब्जी हमने ली हुई है इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, सब्जी मैंने इसमें मिक्स कर दी है। अब हम इस सब्जी को एक साइड में रख देते हैं, सब्जी ऑलरेडी पका हुआ है अच्छे से। सब्जी को हम साइड में रखकर अब हम इस चावल को थोड़ा सा पका लेते हैं। आधा कच्चा रखना है, इसको पूरी तरीके से नहीं पकाना है, तो हम जब तक चावल को पकने के लिए रखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें फ्राई पैन में चावल पकने के लिए रख दिए हैं। चावल को हमें पूरी तरीके से नहीं पकाना है, चावल को हमें थोड़ा सा कच्चा रखना है, क्योंकि अभी हम सब्जी के साथ भी प्रेशर कुकर में रखेंगे तो क्या होगा, वरना वो गल जाएगा, बिल्कुल ही चिपकने लगेगा चावल। चावल को अगर अलग अलग बिल्कुल दिखना चाहिए तो थोड़ा सा हमें कच्चा पकाना पड़ेगा। तो जब तक हमारा चावल पक रहा है, चावल पक जाएगा उसके बाद हम और आगे की रेसिपी दिखाते हैं आपको।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि चावल पकना स्टार्ट हो गया है, उबाल आने लगा है। चावल को आधा कच्चा रखना है, हमको पूरी तरीके से नहीं करना है। पूरी तरीके से करेंगे तो आपको पता ही है क्या होगा इसका, ये तो खराब हो जाता है पूरा, बिरयानी नहीं बनेगी वो खिचड़ी बन जाएगी। अभी हमें क्या बनाना है, बची हुई सब्जी का इस्तेमाल करके बिरयानी बनाना है। बिरयानी बनाने के लिए हमें चावल को कच्चा पकाना है थोड़ा सा, तो अभी ये पक रहा है, आप देख सकते हैं चावल में उबाल आ रहा है। गैस थोड़ी हम हल्की कर देते हैं, तेज नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको सिम कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उबाल आना स्टार्ट हो रहा है। तो ये पानी क्या होगा ना, बाहर को आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्या होता है सब गंदा हो जाना है। अभी इसको थोड़ा सा मीडियम रखा है मैंने गैस को। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चावल अच्छे से उबाल मारकर जितना पकाना था हमें उतना पक चुका है। गैस को हम बंद कर देते हैं। अभी हमने क्या करना है, हम इसको छान लेंगे, इसका जितना भी पानी है उसको निकाल देंगे। तो हमने लिया है एक बर्तन, हम क्या करते हैं इस बर्तन में इस पानी को ड्रेन कर देते हैं। काफ़ी गर्म है, आप प्लीज़ थोड़ा सा देख कर करिए, हाथ वगैरह ना गले। इसको भी हम अच्छे से निकाल लेंगे। अभी हम क्या करते हैं इसको ऐसे कर देते हैं, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको सब्जी में मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हमने क्या करा है, ये चावल हमने निकाले हैं, इसको हमने दो जगह पर डिवाइड कर लिया, एक मैंने प्लेट में अलग निकाल लिया और एक ये चलनी में अलग है। अब हम क्या करते हैं, हमने थोड़ा सा ना ये जो फूड कलर होता है ना रेड वाला, इसको हमने पानी में थोड़ा सा कर रखा हुआ है, हम इन वाले राइस को इसी चलनी में अच्छे से कलर दे देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा वैसा बनाना है कि हाँ बिरयानी का लुक आए, तो हम इसको इसमें कलर देते हैं चलनी में, इसलिए जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा। कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है इसमें, आप देख सकते हैं कलर कितना सुंदर आ रहा है, मतलब लगेगा ही नहीं कि हमने बची हुई सब्जी से कुछ बनाया है। इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व होने के लिए छोड़ देते हैं, लगभग 5 मिनट तक इसका पानी जो है निकल जाए अच्छे से, इसलिए मिला देते हैं कलर ना चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए आप, है ना, फ्रेंड्स ये अभी अच्छे से मिल चुका है बढ़िया तरीके से। अभी हमने क्या किया हुआ है, हमने जो कुकर में सब्जी को मिक्स करा था उस सब्जी को थोड़ा सा कुकर में छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं मैंने कुकर में थोड़ी सी सब्जी को छोड़ रखा है, नीचे को सब मसाले वगैरह मिक्स है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जो हमने अनियन भुना था ना गोल्ड ब्राउन होने तक हमने इसको अच्छे से करा था, उसको इसमें थोड़ा सा डालेंगे। ये अच्छे से मैंने कुरकुरा करके भून रखा है जिससे कि इसमें कच्चापन ना आए, एकदम बिरयानी वाला टेस्ट आए। अब मैं इसको क्या करती हूँ, सब्जी में थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया। आप अपने हिसाब से नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नमक तो स्वाद अनुसार है क्योंकि सब्जी में पड़ा हुआ है ना, इसलिए डालने की सोच रही थी पर मैंने तेज पत्ता ही डाला है अभी। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़े से राइस ऐड कर देते हैं एक लेयर बनाकर। ये जो हमने कलर वाले लिए हैं पहले हम इसको ही लेते हैं, इसको अच्छे से ऐड कर देते हैं। ये देखिए आप, हमने इसकी एक लेयर बना दी है। अभी हम क्या करेंगे, बची हुई जो सब्जी है उसकी लेयर बनाएंगे, उसमें भी हमने अनियन मिक्स कर रखा है हुआ है। ये देखिए इसकी भी हमने लेयर बना दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो वाइट राइस हमने रखे हुए थे अलग से, हम इसकी भी लेयर तैयार कर देते हैं इसके। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने अनियन रखा हुआ था ये अनियन हम इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे, इस
स्प्रेड कर देंगे इसको थोड़ा, अब तो थोड़ा सा आवाज कर रहा है इस वजह से मैंने आराम से किया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा पानी लेकर, ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे, बस ये जले ना ना, इसलिए थोड़ा सा पानी देंगे हम इसमें। इसके बाद सीटी लगा देंगे। अब ये लेट लगा दिया हमने, अब इसमें थोड़ा सा तेज फ्लेम करके एक सीटी आने तक उसको तेज फ्लेम पर रखेंगे। और सुन सकते हैं कि एक सीटी आने वाली है, आवाज़ आने वाली है सीटी की। भाई फ्रेंड्स, अभी एक सीटी आने वाली है, इसमें एक सीटी आने के बाद हमें गैस को एकदम धीमा कर देना है, बिल्कुल हल्का, जिससे कि ये जले ना। तेज गैस पे क्या होगा, पानी जलेगा लगातार तो ये जल जाएगा। थोड़ा सा धीमा कर देना है। फ्रेंड्स, आप सुन सकते हैं सीटी की आवाज आ रही है। आ रही है, हम फ्लेम हल्का कर 4 से 5 मिनट तक हम इसको एकदम धीमी गैस पर रहने देंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रेशर कुकर में हल्का सा ही रह गया था, इसका लगभग निकल चुका था। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं, लिड को ओपन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिड हमने ओपन कर दिया है और अभी देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा है ये, कितनी सुंदर बिरयानी है। अभी हम पीछे से भी इसको देखते हैं, देखिए कितनी मतलब अच्छी बिरयानी बनी है, बिल्कुल भी नीचे से लगा नहीं है, इतना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। अभी हम इसको सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी बिरयानी बनी है, जितनी देखने में लाजवाब है उतनी ही खाने में भी बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब है। यह मैंने बिरयानी की थाली रेडी कर दी है, अब आप भी एक बार ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसी लगी ये बिरयानी। कितना सिंपल तरीका है बिरयानी बनाने का, कोई भी बची हुई सब्जी से आप इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। जैसे मिक्स वेज है, या शिमला मिर्च की सब्जी रखी हुई है, या कुछ और सूखी सब्जी रखी है सेम वगैरह की, आप उसको यूज़ करके बिरयानी बना सकते हैं। बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको पसंद आता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे कृष्णा, कीर्ति गोयल की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत।